अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह के फजल व करम से ठीक होंगे और खुश होंगे। अभी हम आज का व्लॉग अपने घर से ही शुरू कर रहे हैं। अभी लाइट आई है, आज कल लाइट बहुत जा रही है, इसकी वजह से हमारे व्लॉग बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। हम डेली व्लॉग नहीं कर पा रहे क्योंकि लाइट इतनी जा रही है। तो फिर एक तो बैटरी का इशू, दूसरा इसको क्या करना है, क्या करने का वो एडिटिंग, अच्छा ये करता ना कबीर, तो फिर वो लाइट ही नहीं आती, तो वाईफाई का मसला होता है। सारी बात चलेगा तो फिर नेट चलेगा ना, तो इसलिए हमारा नेट जो है ना फिर आता नहीं है, तो फिर हम व्लॉग तैयार नहीं कर पाते। अभी मैं दही को लगाने लगी थी जाग, क्योंकि मैं दही घर में ही जमाती हूँ, तो दही को जाग लगाने लगी थी। ये मिट्टी की हांडी है मेरे पास, तो इसमें मैं दूध रख के ये देखे, तो फिर इसमें जाग लगा लेती हूँ। कबीर आप मेरी हेल्प करें, आप वीडियो बनाएं और मैं यहाँ पे ना जाग लग। चलो तो ये दही है और इसमें मैंने ये जाग लगा दी है, ठीक है, ये मिट्टी की हांडी में। और ये ढक दिया ऊपर से ना हल्का सा, इसके कोई भी आप मलमल का भी कपड़ा दे सकते हो, कोई भी कपड़ा, बस हल्की सी इसकी हवा जो है ना वो हमने ये जो दीवारों से आती है ये बंद करनी है। अच्छा कबीर साहब आप मेरे साथ आओ, वो पीछे दूध है ज़रा ध्यान से। अच्छा फ्रिज में ना थोड़ा सा कचरा हुआ हुआ है, तो मैंने फ्रिज बंद की हुई थी कि ना टेंटना पड़ गया है। नहीं इसका ना वो थोड़ा सा जंग साफ कर दूं और ऊपर से पीछे की जो है ना अंदर से दिखाओ। ये देखे, चलो ये देखे, वो पानी इकट्ठा होता ना तो फिर जो है ना कचरा हो जाता है। पीछे हो जाता है, बहुत ठंडा पानी है। फ्रिज हमारी चल रही है और मैंने ये रिक्स लिया हुआ है। फ्रिज तो हम बंद कर देते हैं। बंद कर दिया, मुझे हल्का का ना अर्थ लगा तो मैं डर गई, पैसा नहीं है राइस। बंद कर दी, अच्छी तरह साफ हो जाती है। ये जो है ना गंदा पानी इसमें जो जमा था वो सारे निकाल दे रहे हैं। गंदा नहीं होता, बोतलों से थोड़ा थोड़ा लीक हो जाता है, तो फिर वो वैसे भी बर्फ भी जम जाता है। ये पानी नीचे है, डिड़ा हम डरा रहे हैं। ये साफ सुथरी अब होना शुरू हो रही है, ये साइड तो हो रही है। हाँ ये बस फोम के साथ मैंने ये हल्का हल्का कर दिया। फ्रेश न्यू, कितनी नींद लग रही है। हाँ देख सकते हैं बोतलें फिर ना, ये एक साइड बोतल पानी इकट्ठा हुआ हो ना, क्योंकि लाइट बहुत जा रही है, तो फिर ना वो क्या नाम लेते हैं ये बंद हो जाती है। फिर वो जो बर्फ होती है उसका पानी बन जाता है, तो वो फिर पानी जो है ना वो पीला पीला अच्छा नहीं लगता। ये तो हम बोतलें ऊपर ही रखते हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा ये रहते हैं। ऊपर वाला तो हिस्सा हो रहा है, अब नीचे वाला हिस्सा, ऊपर वाला बिल्कुल न्यू क्लीन हो गया है, नीचे वाला भी आप दिखा रहे, बहुत गंदा है साइड। और ये रे ब्रांड न्यू हो गया है, बिल्कुल नई लग रही है। बिस्मिल्लाह माशा, पहले ऊपर से भी अच्छा चल लेते हैं।
इस साइड ये भी है। तो तू से ये रेड टमाटर है, नीचे से भी तल रही है मेरी माँ इस तरह से है। ये देखो अब नीचे से दिखाओ साफ हो गई अंदर, ये माशाल्लाह से देख सकते हैं ये नीचे से सारी साफ कर दी है माशाल्लाह से। ये देखो अब तुसी ये भी रख देते हैं टमाटर वगैरह, हम ठंडा पानी पीते हैं ना इसलिए हम बोतलें तो आना पानी की बोतल तो ऊपर ही रखते हैं। ये माशाल्लाह से देखे लपसी है, खाना ढाबा मदीना है। ये इस तरह से पानी से भी साफ कर देते हैं डब्बे तो, पानी 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 हर जगह में हो रहा है तरह से। ये डाल दिया और ये धोने की बजाय बस हल्का सा हम इसके फोम आ रहा है मुझे यहाँ अंदर में वो चित्र हो जाएगा, वैसे भी सुबह नहीं भी धोने की जरूरत नहीं है, वैसे भी साफ ही है अभी भी धोने की जरूरत नहीं है इसको इतना खास, बस ये हमने फोम मार लिया गीला कपड़ा मार लिया कपड़ा मार लिया तो ये काफी अच्छी हालत में नीट हो गया ठीक है ना। तो इस्तेमाल की काबिल है, साफ सुथरी लग रही है, गंदी नहीं लग रही ठीक है। आज मैंने आपके साथ शेयर किया है कि सिंपल तरीके से अगर फ्रिज को अगर धोना ना हो टाइम कम हो तो उसे नीट क्लीन कैसे किया जाता है। हल्का सा आप गीला फोम का कपड़ा लेके उसके बाद आप सूखे कपड़े के साथ जो है ना उसको साफ़ कर सकते हैं। तो उसके अलावा अभी घर में हमने कल कपड़े धोए थे तो कपड़े अभी देख सकते हैं आपके ये हमारे बेड पे बिखरे पड़े हैं। अभी मैं लाइट खोल के आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये सारे और अभी जो धुले हुए हैं ना वो ऊपर भी पड़े हुए हैं, यानी ये इतना वो बच्चे उतारते बहुत हैं कपड़े आपको पता है, बच्चे दिन में दो दो दफ़ा कपड़े निकालते हैं तो गंदे बहुत ज़्यादा करते हैं इसलिए फिर धोने भी ज़्यादा पड़ते हैं। कबीर साहब को होश ही नहीं है, वो अपना मोबाइल लेके फिर से लग गया वो अपनी उसमें जो उसने डाउनलोड कार्टून वगैरह किए होंगे वो देख रहा है। तो अभी आज हम नहीं गए अभी तक खाना पकाने, अभी थोड़ी देर तक जाएंगे क्योंकि गर्मी और धूप इतनी ज़्यादा हो गई है तो बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो गया, इतनी ज़्यादा रास्ते में बहुत ज़्यादा धूप होती है तो बाहर जाया नहीं जाता, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है। तो इसके साथ ही अभी अब हम जाने लगे हैं, थोड़ी देर तक निकलेंगे। तो आज का व्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और जो है ना कबीर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, कबीर इधर आओ कबीर, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल तो सब्सक्राइब करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारी हौसला अफजाई करें ताकि लाल तले बटन दो दबाएं हमारी नोटिफिकेशन मिलेगी, नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और ना जो है हमारी हौसला अफजाई करें ताकि हम इसी तरह ब्लॉग बनाएं और आप लोगों के साथ शेयर करें। कैसी लगी वो वीडियो कमेंट करके बताएं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, बात रहिए और हमारे लिए भी दुआ करते रहिए। बाय बाय।